इतनी महान आत्माएं हैं, जिन आत्माओं का मार्गदर्शन स्वयं कृपादर्शी का कर रहा बाप, जो तीनों कालों को जानता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या था, दुनिया में प्रचंड को जानते हैं, वो ही उसी समय तो आस पास दादा ने मुरली में बताया कि लास्ट समय में विनाश के समय चार प्रकार की आग होगी। सुबह मुरली में सुना होगा चार प्रकार की आग होगी। पहली आग है भय की आग, डर की आग। उस समय चारों तरफ मारा मारी मार की ये सब चल रहा होगा, तो कईयों को तो डर लगेगा, मेरा क्या होगा। लेकिन उस आग से बचने का साधन बाबा ने बताया कि सदा अकाल तख्त नसीब रहो। जितना अकाल तख्त नसीब रहेंगे उतना निर्भय रहेंगे, क्योंकि जो कुछ होता है शरीर का होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता। और आत्मा स्थिति में स्थित है तो आपके साथ बाबा जी, तो जहां भगवान साथ में है वहां फिर कोई डर की बात नहीं। दूसरी बात बाबा ने बताई कि संबंधियों की पदार्थ की एक याद होगी, क्योंकि आपके आंखों के सामने आपके लौकिक संबंधियों का मर्डर हो रहा होगा, चिल्ला रहे होंगे, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। ऐसे समय पर अगर आपको जरा सा भी आया संकल्प, मेरे पद का संकल्प, तो फिर बहुत उल्टा रिजल्ट हो जाए, आप उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बाबा ही आपका संसार, आत्मा का सर्व संबंधी, माता पिता टीचर गुरु सब कुछ बाबा। तीसरी आग बाबा ने बताई विकारों की आग होगी। विकारों की आग से बचने के लिए बाबा ने बताया जितना अपना अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति सो स्थिति रहेगी, उतना आप इस आग से सेफ रहे। अनादि अर्थात मैं हूं।
निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की वंशज भगवान के समान, भगवान के समान परम पवित्र और आदि अर्थात देवता वंशज के हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण रेखाए तो इन दो स्मृतियों में निराकार बाघ की वंशज और देवता घराने के हैं। ये दो स्मृतियां विकारों की आग से बचाए और चौथी बाबा ने बताई जो ब्राह्मणों के लिए विशेष है वो है पश्चाताप की आग। इस समय हम अलबेले पर में चल रहे हैं, चलेगा लेकिन अंत समय में जब सजा का समय आएगा अंतिम समय होगा तो आपकी बुद्धि उस समय बाबा प्योर कर देगा और प्योर करने के कारण आपको छोटी सी भी अपनी गलती बहुत बड़ी महसूस होगी। जैसे देखो गंदा कपड़ा हो तो उस पर थोड़ी चीज का दाग लगाओ तो महसूस नहीं होगा, लेकिन एकदम साफ कपड़ा है अगर छोटा सा भी दाग लगता है तो दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अंत में बुद्धि दिव्य होने के कारण छोटी सी भी गलती अपनी बहुत बड़ी महसूस होगी और वो गलती महसूस होने के कारण अपना पल दिखाई देगा कि पल कितना नीचा हो गया तो उस समय बहुत कड़ा पश्चाताप होगा कि हाय मैंने क्यों किया, हाय मैंने समय क्यों बर्बाद किया, हाय मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। उस समय पश्चाताप बहुत होगा तो उस पश्चाताप से बचने के लिए बाबा ने कहा आपको वो पश्चाताप न करना पड़े उसका आधार है अभी से आप सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। पश्चाताप से बचने की विधि बताई सर्व प्राप्ति संपन्न बन तो आत्मा सर्व प्राप्ति कर लिया तो फिर तो पश्चाताप का सवाल ही।